वो ही रहती है, वो ही। अच्छा आपने आईना देखा, वो देखा आईना देखी, आईना देखी आपने तो वो मुझे बेहतरीन फिल्म लगी। उसमें म्यूजिक जो है आपका जरा डिफरेंट है। जी क्वेश्चन है स्कोप का। जी स्कोप, अगर फिल्म में स्कोप ना हो, गाने के सिचुएशन खराब हो, कोई स्टोरी ना हो, जी तो म्यूजिक मतलब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि बेतुका गाना आ जाता है कि क्लब में गाना गा रहे, कभी कुछ, या मैदान में घूम रहे हीरो हीरो ऐसे गाना गा रहे। सो अगर सिचुएशनल गाना हो जी तो वो। अच्छा आपकी म्यूजिक में एक खास किस्म की जो महक आती है, और लगता है कि ये म्यूजिक गाने आपने अपनी बेगमी के लिए बनाए, इसी क्या वजह आप बताएं? शर्मा बताएं। मैं जी, क्योंकि आपका गाना इन्होंने चुराया। मेरा गाना? हाँ, रूठे हो तुम, तुमको कैसे बनाओ बहुत गाती है घर में। आप इनसे पूछे ये ज्यादा रूठते हैं? नहीं रूठते तो नहीं, मैं तो ठीक जवाब दे सकेंगे, इसलिए कि मैं तो होल डे शूटिंग में रहती हूँ। जी मैं यही बात करने वाला था आपसे, मैंने हिसाब लगाया कि आपने जितनी फिल्मों में नदीम के साथ काम किया है, अदाकारी की है, तो उतने घंटे का हिसाब लगाएं तो आपने शादी के बाद रॉबिन से कम बात की तो ये जो है ठीक। तो आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, हमारा कुछ उसूल होता है, जैसे 5 बजे तक उसकी बात जो है, जो हमारा घर में जो है वो कोई फिल्म का डिस्कशन नहीं होता, नहीं, हो। नहीं होता, नहीं होता है ना, कोई फिल्म देखी या कोई एक्टिंग मारे, लेकिन बाहर के प्रॉब्लम घर में नहीं लाते, नहीं लाते। ठीक है, सो तो घर में सुकून रहता है, सुकून है, और भी दोस्त आए आते हैं, शी इज़ गॉट हर फ्रेंड्स। वो फिल्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा शर्मन जी ये बताएं, अगर आप नहीं होती यहाँ तो ये नदीम और परवेज मलिक क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि जब उन दोनों का नाम हम सुनते हैं कि नदीम परवेज मसरू अनवर, तो आपका दिमाग में तो आता ही है कि भाई ये तो है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और नहीं ऐसी बात है, इसके साथ वो काम करते हैं और कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूंगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेंगे, मेरी जगह पे कोई और आ जाएगी। हाँ, मगर आप मतलब एक सिक्का जमाया हुआ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग और हीरोइंस के साथ भी काम करते हैं। हाँ नहीं, मगर मगर ये कह सकते कि अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक कामयाबी की जमानत, क्योंकि एक काम करते करते काफी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, तो शायद ये वजह है। अच्छा रॉबिन ये बताएं, आप शबनम के नखरे ज्यादा उठाते हैं या अवार्ड्स? दोनों हमेशा अवार्ड लेके आवाज हमारे दोनों ही बिल्कुल गलत, मैं नखरे बिल्कुल नहीं करती। नहीं नखरे तो आप करते हैं। अच्छा बेटा जो है आपका जी कहाँ है आजकल? माशा वो लंदन में। अच्छा किस पर गया? जहाज पर गया। नहीं जहाज जहाज नहीं, आप दोनों पे किस पे गया? आप वहां पे गया या शबनम पे गया? मेरे ख्याल से अदाकारी में आप पे गया है, और म्यूजिक में तो शौक नहीं है। नहीं है, म्यूजिक से है। कितने अवार्ड अब तक, मेरे अंदाजा नहीं होगा आपको कितने मिल चुके हैं। मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा अंदलीप फिल्म थी आपकी एक जी, उसमें आपकी आवाज बड़ी मुख्तलिफ थी, अब मुख्तलिफ है? उसमें मेरी नहीं थी, किसी और ने डबिंग की। अच्छा ये मुझे तरह थी, मैं से कंफर्म कराना चाह रहा था। तो मतलब उस जमाने में आप उर्दू मुश्किल होती थी आपको? नहीं, प्रोड्यूसर ने सोचा, वही बता रही थी मैं कि प्रोड्यूसर ने सोचा है कि ये ठीक उर्दू नहीं बोल सकेगी। अच्छा तो उन्होंने किसी और से डबिंग की। उन्होंने ठीक बोली उर्दू मेरे ख्याल से? ठीक।